किस्सा बताओ। हमारे मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में एक 20 साल का लड़का रहता था। उसकी 20 करोड़ की लॉटरी लगी। लॉटरी वालों ने उसको बुलाने का सोचा। फिर लॉटरी वाले ने सोचा, अगर मैंने लड़की को बुला दिया और बता दिया कि भाई तेरी 20 करोड़ की लॉटरी लगी है, लड़का तो खुशी से मर जाएगा। तभी लॉटरी वाले ने क्या किया कि उस लड़के के चार घर को छोड़कर एक आंटी रहती थी, उसको बुलाया और बताया कि आंटी, आपको ये लड़के को बताना है कि इसकी 20 करोड़ की लॉटरी लगी है, बट ध्यान रखना कि लड़का खुशी के मारे मर ना जाए। आंटी ने बोला ठीक है, लड़के को बुलाया गया। आंटी ने लड़के को बोला, अभी फर्ज करो कि तुम्हारी 20 करोड़ की लॉटरी लगी, तुम क्या करोगे? लड़का बोला, ओ माय गॉडनेस, मतलब यार मेरी 20 करोड़ की लॉटरी लगती है ना, तो मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा, आपको गले लगा लूंगा, आपसे ही शादी कर लूंगा और 10 करोड़ तो मैं आपको ही दे दूंगा। अभी क्या आगे क्या सुन रहे हो? इतना बोलने से पहले तो आंटी ही खत्म हो गई थी। मतलब बहुत ज्यादा पैसा होना भी बुरी बात है। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसी दो तारीख है जिसमें से एक को आप पूरी लाइफ टाइम अपनी मेमोरी से निकालना चाहो और दूसरी को आप पूरी लाइफ टाइम अपनी मेमोरी में याद रखना चाहो? है, बात करूं अगर मैं खुद की, तो मैं 3rd नवंबर, हाँ 3rd नवंबर को अपनी लाइफ से पूरी तरह निकालना चाहूंगी और 5th जून को अपनी लाइफ टाइम उसे याद रखना चाहूंगी। आप कौन सी तारीख को मिटाना और याद रखना चाहते हो कमेंट में बताओ।